पहला गया था यू सबसे पहले 2022 में सितंबर में, ठीक है। इसकी मिसिज भी साथ में थी, एक भांजा था साथ में, तो 23 सितंबर की इनकी फ़्लाइट थी। तो सर्बिया था, इसे आधा काम तो बन गया था इसका, लेकिन सर्बिया था इसका वापस आना पड़ गया इसने। 4-5 मंथ रखा यूँ, लेकिन इसका काम नहीं बना। बाकी इसकी मिसिज थी जो प्रेग्नेंट थी, वो आगे चली गई थी, ये वापसी आ गया था, ठीक है। उसके बाद फिर और काम करे इसने थोड़ा बहुत। फिर एक बीच में एक बंदा था जो अलीपुरा का है, तो 80 लाख रुपए का वो कर गया इसके लिए गपला, ठीक है। वो ऐसा कहीं करके 80 लाख रुपए लेके भाग गया, ठीक है। वो निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि पंचायत में आना भी पड़ता था, जा भी नहीं सकता था बीच में ये, क्योंकि उनके लिए भाई किस बंदे के साथ पेमेंट की वो करी है, तो सारा सब कुछ जरूरी है। जो 80 लाख ऐसे है कि वो नकली वीज़ा दे दिए उसने, और ऐसे कि लोगों की पेमेंट थी वो अपना दे रख 38 में जमा करा रखी थी। सो इस मेरे भाई ने जमा करवा रखी थी, एक पार्टनर था गांव का, उस दोनों ने, ठीक है। तो जिनकी पेमेंट है उसकी तो हमें देनी पड़ेगी, तो हमने तो अपना जमीन जमून गिरवी रख के उनकी लोगों की तो दे दी, लेकिन वहाँ से भी हमारे 25 लाख रुपये अभी तक भी नहीं आए, ठीक है। और वो उनके सारे सबूत है, सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास उनकी, ठीक है। तो फिर अब की बात आ गई, इसने सोचा भाई चल वहाँ से 54 लाख रुपए पेमेंट की रिकवरी हो चुकी है, ठीक है। 54 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 25 नहीं हुए, जो ब्याज बट्टा लगा वो अलग से, ठीक है। तो अभी ये बात थी कि ये अपनी वाइफ के साथ पास जाना चाहता था, ठीक है। तो यूरोप का काम दे दिया जो अशोक है उसको, ठीक है। तो अशोक है तित्रम का, है हाँ जी। तो उन्होंने कैसा किया कि जाते ही वहाँ से मतलब इसका किडनैपिंग होगी, ठीक है। तो 12 तारीख किसकी फ़्लाइट थी, 2-4 दिन तो उन्होंने ठीक रखा। फिर इसका मेरे पास आया 17 को, भाई मेरे से ऐसे ऐसे इनको पैसे मांग रहे हैं ये, ठीक है। तो उन्होंने, मैंने 4 लाख रुपए का एडजस्टमेंट, 2 लाख रुपए तो ट्रांजेक्शन उसी टाइम कर दिया, 2 लाख रुपए का मैंने किया 21 तारीख को। उन्होंने 2 कैश कहीं और से उठा लिया, तो उस बंदे की पेमेंट मेरे को देनी थी वो 4 लाख रुपए। मैं इसकी वापसी की टिकट करवा दो। तो फिर थोड़ा हाई मिला हुआ, 2-4 दिन बाद उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया इसको। तो ऐसे ही बात चली गई, चलती रही। तो अशोक ने ये बात भी हुई थी, अशोक ने बोला था एक राज है नोच का जो बंदा है, जो उसने, उन्होंने बोला कि इसकी रड़क निकालनी है, ये ज़्यादा थोड़ा ऊपर मतलब वो करता है, तो भाई इसको सीधा करके रहेंगे हम। बंधक क्यों बना, पैसे का मामला था, कितनी भी बात हुई थी, क्या कुछ मामला, क्यों बंधक बनाई, उसके पीछे क्या कारण है? बंधक बनाने का रीज़न ये था कि मतलब क्योंकि वहाँ पे जाके पेमेंट होती है उनकी, ठीक है। तो उस टाइम तो उनका हो गया था, वो छूट गया था वहाँ से, ठीक है। लेकिन अब 11 तारीख को सुबह सुबह मेरे पास कॉल आती है, 6 बजे कोई उठता भी नहीं है गांव में, बोला कि ऐसे ऐसे किसी के पास जाओ भाई पैसे ले के आ। मैं भाई पैसे क्या हुआ है बात तो बता। ने बोला मैं ऐसे ऐसे मतलब मैं उसको मार रहे थे, वो पीट रहे थे, और ऐसे ऐसे सिस्टम है कि अभी बस 1 घंटे में पूछ के आप ऐसे कुछ ही से भी कर जमीन पे। मैंने बोला मकान बेच ले, ज़मीन तो पहले बिक चुकी थी, मकान बेच का कौन खींच क्या कीमत लगी, देखिए टूटा फूटा पड़ा है, बैठक में जाके देख लो आप, ठीक है। प्लाट बेच कहीं से भी ले के आ। तो मैं गया भी किसी के पास पूछने, तो क्या ठीक है, कुछ भाई इतना तो सिस्टम नहीं होता कि गांव में ये कि एक दिन में 5 लाख या 10 लाख रुपए कर दे। तो फिर इस मैंने इसकी जो रिकॉर्डिंग थी नहीं वीडियो, तो इसकी मिसिज को और मेरे को दोनों को इंक्लूड करके मतलब फैमिली ताकि इमोशनल कर सके उनको, इसको पन्ने पोलथिन में लगा के लपेट के मार रहे हैं इसको। नोट इसके बिल्कुल सूजे हुए हैं पूरा, मतलब कैसे भाई इनका ये बोलता है मेरे को, तू मेरे को मतलब मेरी जान बचानी है तो पैसे दे दे भाई इनको, कैसे भी कर, अगर बंदा ही नहीं रहेगा क्या कैसे वैल्यू रहेगी। तो फिर मैंने वो जिस बंदा अकाउंट आया था उस अकाउंट में 10,000 रुपये डाले, ताकि थोड़ा टिक जाए ये, कन्फर्मेशन हो जाए कि वहाँ पर। मैंने ये भी किया, किसी बंदे ने बोला था मेरे को इनकी कन्फर्मेशन ले ले कि ताकि हमारे पास सबूत हो कि फलाना पात्रा गुरजीत नाम का बंदे का वो अकाउंट है, ठीक है। तो वहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि हाँ पेमेंट 10,000 गई है, उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है। तो आगे बात क्या हुई, जो बंधक बना रखे वो यही है, हरियाणा पंजाब के या फिर वहाँ पुर्तगाल वहाँ के लोग हैं, अभी जिन्होंने भेजा तो वो यहाँ के है, लेकिन इन्हीं का सिस्टम होता है, उनको क्या पता कैसे कोई बंदा आ रहा है। एक रिकॉर्डिंग भी आई थी उनकी, तो उन्होंने बोला है कि हमने यहीं से पता चल जाता है कब कौन सा बंदा आना है, कब कैसे उठाना है, ये एजेंट है यही कॉल करते हैं, किसी से 2 लाख ले लेते हैं, किसी से 4 ले लेते हैं, ऐसे वहाँ पे काम आजकल बंद हो रखा आगे जाने का। तो काम यही है कि वो, क्योंकि एक साथ में वीडियो एक और बंदा भी है उनके पास जो मतलब मेरे भाई से अलग था, उसको ही मार पीट रहे थे, एक बंदा नहीं है
कि मतलब ये काम ही चल रखा है। और बहुत सारे बंदे हैं जो 2-4 लाख 10 लाख, एक पंजाब का बंदा भी सुना है हमने, उन्होंने से 24 लाख रुपए ले लिए, ना बंदा छोड़ा है, पैसे भी ले लेते हैं फिर भी नहीं छोड़ते। वीजा जाहिर थे आप लोग किसी नहीं, नहीं प्रॉपर वीजा है उसका भी, उस वहाँ जहाँ तक अभी बंदा गया हुआ है उसका प्रॉपर वीजा है उसका वहाँ का। तो आगे क्या कार्रवाई करी आपने? आगे मैंने आज जैसे कल एसपी ऑफिस गए थे हम जींद, तो उन्होंने तो मतलब डीएसपी को भी बोला था जींद, फिर डीएसपी आज हम वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने बोलते थे आप गांव में करवा दो रजिस्टर, इन्होंने काफ़ी थोड़ी हेल्प की है, उन्होंने नोट वगैरह भी कर लिया है। तो आपने बता दें कि हमारे 4 किलो जमीन थे वो भी बिक गई इसी चक्कर, तो वो तो बिक गई। 80 लाख का ब्याज कितना होता है, क्योंकि पहले पूंजी थोड़ी थी हमारे पास, इनको बेचा भी था, एक तो पहले भी किया था। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी माँ, मेरा पापा, मेरी सिस्टर की मैरिड हो मैरिज हो चुकी है, और मैं। मम्मी पापा को पता है? मेरी मम्मी तो मतलब डिस्टर्ब रहा है, पापा को पता ही नहीं, कोई इस तरह बात कर नहीं, कुछ भी नहीं याद रहता इनको, सारा बोझ आपको पड़ी है। मेरे पापा को भी मतलब ये बोल रखा है, बताया नहीं है कि हो जाएगा आ जाएगा दो दिन में। आप क्या करते हो? मेरी पीएचडी चल रही है।